The topic which we are going to discuss is accidents and their effects. Estimating the cost of accidents is the most important primarily functions in the form of occupational safety and health in organizations. Accidents are expensive. Why these are expensive? These are expensive in the form of finances, in the form of time, in the form of cost. द फॉर्म ऑफ हेल्थ सो एक्सीडेंट्स आर एक्सपेंसिव हाउ एवर टू बी सक्सेसफुल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल मस्ट बी एबल्ड टू शो दैट एक्सीडेंट्स आर मोर एक्सपेंसिव दैन प्रशन देखा ही गया है कि एक्सीडेंट हो जाने के बाद प्रिवेंटरी मैय जब डिवेल्प किए जाते हैं तो उससे कास्ट बहुत ज़्यादा इंकर्ड होती है जो मैंने अभी आपको बताया है टाइम की शक्ल में रिसोर्स की शक्ल में फाइनेंस की शक्ल में और लाइफ डेथ की शक्ल में अब यहाँ पे होना ये चाहिए कि जो भी एक्सीडेंट प्रोबेबिलिटी अगर एग्जिस्ट कर रही है किसी जगह पे, तो उसके प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म पहले ही डेवलप कर लिए जाए इसको हम लोग कहते हैं एस्टिमेटिंग द कास्ट ऑफ एक्सीडेंट्स कास्ट एस्टिमेशन मेथड्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से मेथड्स हैं एक शख्स है प्रोफेसर सैम्स

इंश्योरेंस ये देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इंश्योरेंस आप करवाते हैं वो इंश्योर्ड कास्ट है सम टाइम कुछ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो अन इंश्योर्ड होते हैं और उन दोनों के कास्ट को ऐड कर लिया जाए तो इसको हम लोग कास्ट एस्टिमेशन मेथड बोलते हैं कास्ट एस्टिमेशन मेथड में फर्दर ये चेक किया जाता है डिटर्मिन द इंश्योर्ड कास्ट ऑफ एक्सीडेंट्स इज़ अ सिंपल मैटर ऑफ एग्जामिनंग अकाउंटिंग रैकेड अकाउंटिंग रैकेड से हम लोग इंश्योर्ड कास्ट कैलकुलेट कर लेते हैं जैसा कि अकाउंटिंग के अंदर मटीरियल लेबर फैक्ट्री ओबर हैड इन चीज़ों को जमा किया जाए तो किसी भी प्रोडक्ट की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली जा सकती है इसी तरह अकाउंटिंग के मेथड यूज करके हम लोग कैलकुलेशन कास्ट की कर सकते हैं द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग द अन इंश्योर्ड कास्ट साममेंड दैट एक्सीडेंट्स बी डिवाइडेड इन टू फोर क्लासेस और वो फोर क्लासेज कौन सी है उनको हम अभी वन बाई वन डिस्कस करेंगे क्लास वन अब इन तमाम क्लासेज का ताल्लक डी ए स्टूडेंट्स एक्सीडेंट्स के साथ है क्लास वन एक्सीडेंट है क्लास टू भी एक्सीडेंट के रिलेटेड थ्री फोर भी लेकिन एक्सीडेंट्स के किस हिस्से के साथ इसका तालक है नंबर वन लास्ट वर्क डेज जब कोई एक्सीडेंट होगा तो मुकम्मल डे आप शायद वो काम फिर बाद में ना कर सकें ड्यू टू मेंटल डिस्टर्बेंस मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से आप लोग वो अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकते तो वर्क डेज आपका एग्जिस्ट होगा परमानेंट या पार्शल डिसबिलिटीज हो सकती हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्सीडेंट होता है अल्लाह ना करे तो वहां पे व्हाट विल बी इंजरी इन योर लेग मुकम्मल लेग डैमेज हो सकती है या उसका कोई पार्ट डैमेज हो सकता है इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट या पार्शल डिसबिलिटी एंड टेम्परेरी टोटल डिसबिलिटी बाद शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी डिसबिलिटी हो सकती है कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो गई कोई नेल में प्रॉब्लम आ गई टेम्परेरी डिसबिलिटी है आफ्टर वन मंथ आफ्टर टू वीक इट मे बी रिकवर्ड ये देखा गया है क्लास टू एक्सीडेंट्स ट्रीटमेंट बाई अ फिजिशियन आउटसाइड द कंपनीज फैसिलिटीज सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज़ अनाफ नहीं होती तो फिर क्या होगा अगर अनाफ नहीं होगा यू हैव टू गेट सर्विस फ्रॉम सम परसन हु इज़ वर्किंग आउटसाइड दी आर्गेनाइजेशन तो वहाँ पे आप अपने एम्प्लॉय की हेल्थ केयर रिलेटेड काम करेंगे एम्प्लॉ की वहाँ से प्रस्क्रिप्शन लिखवाएंगे एम्प्लॉ का ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चेकअप करा के उसका ट्रीटमेंट करेंगे इसको बोलते हैं क्लास टू एक्सीडेंट क्लास वन के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ है परमानेंट पार्शल डिसबिलिटी क्लास टू में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विदिन की ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं यू हैव टू गो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन और क्लास थ्री है फर्स्ट एड बॉक्स अक्सर देखा गया है वो जो फर्स्ट एड बॉक्स है डी ए उसकी मदद से ही आप लोग अपना काम कर सकते हैं इसको हम बोलते हैं क्लास थ्री एक्सीडेंट्स इसमें यह भी देखा गया है अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी डैमेज ऑफ लेस वन हंड्रेड डॉलर लॉस ऑफ लेस देन एट आवर्स ऑफ वर्क टाइम तो इसको हम लोग क्लास थ्री एक्सीडेंट्स बोलते हैं क्लास थ्री एक्सीडेंट्स की दो कंडीशन हैं पहली कंडीशन अगर कोई लॉस होता है वन हंड्रेड डॉलर से कम या आठ घंटे या उससे ज्यादा आर का लॉस होता है इट विल बी ट्रीटेड एज क्लास थ्री एक्सीडेंट क्लास फोर एक्सीडेंट्स injuries that are so minor that they don't require the attention of physician result in property damage of one hundred dollar or more or cause it or more or work to the lost इसमें भी दो aspect हैं लेकिन एक जो खुशाइन बात है इसमें वो ये है कि loss तो है time की शक्ल में cost की शक्ल में लेकिन ये permanent disability नहीं है फिजिशियन कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करने वाला शख्स है उसकी हेल्प लेने की नीड नहीं है सो वॉट यू हैव टू डू देर इज माइनर इंजरी विच विल बी रिकवर्ड ऑटोमेटिकली आफ्टर फ्यू मोमेंट्स इट मे बी आफ्टर वन डे और टू डे इट मे बी फुली रिकवर्ड दिस इज नोन एज क्लास फोर एक्सीडेंट्स अदर कास्ट एस्टिमेशन मैथड्स लो वर्क आर्स मेडिकल स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली रिमेनिंग टूअर्ड प्रॉपर्टी डैमेज पर लासीस एंड लास्ट इनडायरेक्ट कास्ट डायरेक्ट कास्ट डी ए स्टूडेंट्स वो है जिसके अंदर मटीरियल लेबर फैक्ट्री ओवर हैड है इन डायरेक्ट कास्ट वो है जिसकी वैल्यू माइनर है डायरेक्ट कास्ट के मुकाबले में फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टेबल बनाते हैं टेबल में वुड का इस्तेमाल होता है वो जो वुड है वो डायरेक्ट कास्ट है डायरेक्ट मटेरियल है लेकिन उसमें जो नेल यूज़ होता है कील यूज़ होता है जिसके बगैर वो चीज़ बन नहीं सकती वो इनडायरेक्ट मटेरियल है इसी तरह अदर कास्ट एस्टिमेशन मेथड्स में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं इन सब की मदद से भी एक्सीडेंट की कास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट हो जाने के बाद एम्प्लाईज़ का मोबाइल कम्पेरेटिवली डाउन हो जाता है और लो वर्क आर्स होना शुरू हो जाते हैं जो इम्प्लाई एफिशेंटली काम कर रहा था उसकी एफिशिएंसी में कमी वाक़ हो जाती है जब उसकी एफिशिएंसी में कमी वाक हो जाएगी इसी को हम लोग लास्ट वर्क आर्स बोलते हैं एस्टिमेटिंग हिडन कास्ट कुछ कास्ट दिए स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं जो कि हिडन हैं जो कि सामने विजिबल नहीं हैं सेफ्टी प्रोफेशन अफन यूज द आइसबर्ग आइसबर्ग की टर्म यहाँ इसलिए ली गई है कि कुछ चीज़ कुछ पार्ट ज़मीन के नीचे है और कुछ ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से में है इसलिए आइसबर्ग की टर्म यूज ली गई है जैसा कि हमारे कुछ इलाकों में नारायण के गांड साइड पर ग्लेशियर्स हैं ग्लेशियर का कुछ हिस्सा नीचे को है और कुछ बिल्कुल आइसबर्ग की तरह ऊपर को ट्रेप बनी हुई है इन द केस ऑफ एन एक्सीडेंट दार्जर पार्ट ऑफ द एक्चुअल कास्ट इज़ आल्सो हिडन बीनीथ सरफेस, फॉर एग्जाम्पल इफ विल बी इंजर्ड अगर कोई शख्स इंजर्ड हो जाता है वट विल हैपन आपको उसकी इंजरी का एहसास ही नहीं है शायद वो फॉर द होल लाइफ अपने पाँव पे चल ही ना सके दिस इज नोन एज हिडन कास्ट जो कि कास्ट का अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अप्री टू पॉइंट टू मिलियन पीपल डायरी ईयर ऑफ वर्क रिलेटेड इंजरीज ये डेटा आई एल ओ का है कि टू पॉइंट टू मिलियन तकरीबन बाईस लाख वर्कर हर साल वर्क रिलेटेड इंजरीज का बायस बन जाते हैं या आकोपेशनल डिजीज का बायस बन जाते हैं एक्चुअली ड्यू टू पुअर रेकर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग इन अंडर डिवेल्प कंट्रीज इट इज एस्टिमेटेड दैट दिस फिगर इज़ लो अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अंडर डिवेल्प कंट्रीज के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज नहीं है बिल्कुल ऐसा है बल्कि यहाँ पे आई पर्सनल थिंक ये परसेंटेज इससे ज्यादा होगी टू पॉइंट टू मिलियन से ज़्यादा लोग इसका शिकार होंगे लेकिन क्योंकि वो केसेज रिपोर्ट नहीं होते इसलिए वो डेटा बयान नहीं किया गया यहाँ पे ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज का जो लास्ट आस्पेक्ट है वो ये है रैपड डिवेल्पमेंट्स एंड प्रेशर ऑफ ग्लोबल कंपनीज और ग्लोबल कम्पिटिशन आर रिजल्टिंग इन इंक्रीज वर्क फोर्स फैसिलिटीज इन चाइना एंड दिकम कंट्रीज ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरीज की वजह से देखा गया है कि जो अंडर डिवेल्प कंट्रीज हैं डिप कंट्रीज हैं डिपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर रैपड डिवेल्पमेंट का प्रेशर है किस तरह हम इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकें ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट के कम्पैटिव बना सकें यही वजह है कि इनोवेशन के अंदर जब आप टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को ला रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप इनोवेशन में मूव करना चाहते हैं तो वहाँ पर चांसिस भी एक्सीडेंट्स के ज़्यादा हो जाते हैं